बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। और मैं आपको एक टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। अभी मैं एक खेत में से गुजर रहा था, तो ये जाना धान की जो है पनीरी है, उसको पानी लगाया हुआ एक मिनी जो है ट्यूबवेल होता है उसके साथ जनरेटर के साथ, तो बहुत ही ईजी जो ना ये मेथड है। ये आप देख सकते हैं कि अभी इसको पानी लगा दिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ है। आइए मेरे साथ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटा सा, इसके साथ जो है ना ये पानी लगा रहे हैं। तो वो सब पीछे जो है ना मालिक खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ बात मिल रही है। तो ये सिर्फ इतना पता कि ये जो है ना जनरेटर है, तो आप ये देख सकते हो मेरे पीछे ये जनरेटर है, और ये आगे जो है ना ये पाइप लगाया हुआ है। मैं आपको पानी दिखाता हूँ जिस जगह पे जो है ना इसका पानी निकल रहा है, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मैंने मालिक से थोड़ा सा पूछा इसके बारे में कि ये, इसने बोला कि 50 फुट का जो है ना ये बोर करवाया, जनरेटर है, जब दिल चाह रहा इसको उतार के घर ले जाते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ना इतना ज़्यादा शोर करता है। तो ये इसने पाइप लगाया हुआ है, खाल वगैरह बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पाइप के साथ भी काम चल जाता है। तो पानी की रफ़्तार दिखाने के लिए मैं आपको ले कर जा रहा हूँ जहाँ से जो ना पानी इसका बाहर आ रहा है। ये सामने जो इस पानी लगाया हुआ है इन लोगों ने, ये कमाल है इनका, थोड़ा सा गन्ने की फसल है बिल्कुल थोड़ी, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये देख सकते हैं पानी की रफ्तार, शायद आपको नज़र आ जाए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, जिन लोगों के पास कम ज़मीन है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जो है ना आप अपनी फसलों को पानी लगा सकते हैं पाइप के ज़रिए। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी जगह, इसके साथ ही वो सामने भिंडी तोरी का एक खेत है छोटा सा, इसके साथ वो आगे फिर जो है ना वो भी सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ। तो मैं आपको मिलवाता हूँ खेत के मालिक से, उनसे पूछते हैं इसके बारे में कुछ मालूम। तो वो इस तरफ से आ रहे हैं मेरे पीछे, ये सामने आ रहे हैं, इनसे जाके मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आपको आइडिया कैसे आया और कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर कितना खर्चा आया, सारा कुछ पूछते हैं, और कितनी देर में जो है ना ये पानी लगा देता है, और पेट्रोल वगैरह का खर्चा सारा कुछ उनसे पूछते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अंकल मेरे पास आ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये बोर के ऊपर कितना खर्चा आया और इसका क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा अंकल जी? यदा फायदा ये है कि खेती बाड़ी करी दी है, पानी दे फसल जरा बहुता होंगे। अच्छा। बाकी खर्चे बारी जी गल है, ये कोई 55 लागे बोर होंगे, तो नाल फीचर अपना ये है कि जनरेटर जोड़ा है ये कोई 16-16 हज़ार का होंगे। बड़ी मौज लगी है, अल्लाह की रहमत है, जो जी किया मोटे तो चुकया तो घर ला गया, तो जो जी किया इतने ला दिया। हाँ व्ड्या का ये है कि हिमाचल को उंजी नहीं चलते। हाँ तो छोटे करवाए ने नेड़े थां थोड़िया थोड़िया पै रही ने गुजारा करी दे। पेट्रोल का कितना खर्चा इसके ऊपर? मोटरसाइकिल जिन्ना ही कह लो, एक लीटर में तकरीबन तकरीबन अपना ये है कि कनाल थां दी जड़ी है, यानी कि ये तकरीबन उतों तक जड़ा ना ये तकरीबन अपना ये है कि 26,000 रुपया आएगा खर्चा। 26,000? 26,000 उदू का जरा तेल पाना है वो तो रोज रोज जिन्ना के वरतना है उन्ना ही पाना है। हाँ जी साहब, बोर वगैरह के पैसे तो अलग से होंगे? नहीं जी, ये ही आ जाए। अच्छा, टोटल अमाउंट 26,000? टोटल अमाउंट 26,000। ये पीछे आपका खेत है, ये सामने जो ये सामने लगा हुआ है? हाँ जी, ये भी अपना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह वो भी बड़ा प्यारा है।
तो यानी कि इसी के साथ आप सारा काम कर रहे हैं जनरेटर के साथ ही? बड़ी खुशी है, देख के बड़ा प्यारा लगा। मैं ऊपर से जा रहा था तो मैंने देखा कि यार नीचे पानी लगा रहे हैं, पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। मैं तो पहली दफा देखा है। परले पासे इतों सामने लैणो परले पासे जी जी उठे भी यही बोर करा है, यही चीज है लाजी दा। ये दो तीन बोर करा लिए जिथे जी का लाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत वो बोर ते कोई 10,000 खर्चा होता है। तो अभी कब से लगाया पानी इसको? सुबह पानी की रफ्तार अच्छी है इसकी, स्पीड पानी की बिल्कुल तेज, पानी 4 इंच नाल भर के आउंदी है जी जी। चले जी, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरशद जी। मोहम्मद अरशद, गांव कौन सा? गांव अलियाबाद। अच्छा अलियाबाद, ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी गाइस, मैंने आपको सारा कुछ बताया, जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।